हेलो एंड वेलकम दोस्तों, रिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में पैकेट स्विचिंग के बारे में बात होने वाली है। इससे पिछले वीडियो में सर्किट स्विचिंग क्या होता है वो बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया। अभी बारी आती है पैकेट स्विचिंग की, जरा इसे समझा जाए। सी, इसके नाम में इसका आधे से ज़्यादा काम जो है वो डिफाइंड है। पैकेट, पैकेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। हाउ दिस पैकेट इज कमिंग इन टू पिक्चर वो भी हम लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यार पिछले इसमें भी हमने बोला था कि ये सेंडर है, बराबर है, और यहाँ पे ये रिसीवर है अपना, और बीच में जो है आपके स्टेशन है, लाइक दिस, ये स्टेशन है इन दिस वे, और ये कुछ इस तरीके से आपके कनेक्टेड है, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे जो सेंडर है वो रिसीवर तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए हम पैकेट स्विचिंग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सिंपल अब यहाँ पे एक मैसेज होगा, ये मैसेज है, बराबर, मैसेज कह लो, डेटा कह लो, जो भी कहना है कह लो, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली इस टेक्निक में हम पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है वी सिंपली डिवाइड इट इनटू सर्टेन नंबर ऑफ सेगमेंट्स, एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द पैकेट, उसे हम क्या बोलते हैं, पैकेट। अब ये जो पैकेट है, ऑब्वियसली बात है, इसमें डेटा होगा, इसमें हेडर होगा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और फिर उन पैकेट्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और फिर वो आगे जाते हैं रिसीवर तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिसीवर तक जाने तक का जो सफ़र है उसमें क्या क्या इवेंट्स, उसमें कौन कौन से ऐसे बिहेवियर, नोटिसेबल इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी ये मैसेज है, इसको हम क्या करते हैं, मैसेज है, डेटा है, जो भी कहना कह लो, उसे हमने क्या किया, डिवाइड किया इंटू सम सर्टन नंबर ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड एज अ पैकेट, ठीक है। अब ये पैकेट जो है ये जा रहा है, मान लो ये पैकेट है, दिस इज द पैकेट, अब ये जा रहा है, और यहाँ पे ये पहला स्विच खड़ा है। अब ये स्विच क्या करता है, बेसिकली ये जो पैकेट है, इस पैकेट को पहले वो स्टोर करता है, ये बिहेवियर है आपके इस पैकेट स्विचिंग का, वो पहले उस पैकेट को क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर उसे फॉरवर्ड करता है, फिर वो आगे जाता है, अगला स्विच आता है, अगले स्विच में भी सेम बिहेवियर देखने को मिलता है। यानी इन स्विचेस को आप एज ए इंटरमीडिएट नोड्स कह सकते हो, दीज आर द टर्मिनल मींस एक्सट्रीम नोड्स, सेंडर एंड रिसीवर, एंड दीज आर द इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। यहाँ पे भी भाई साहब सेम काम करते हैं, उस पैकेट को स्टोर करते हैं और उसे फॉरवर्ड करते हैं, और फिर वो आगे जाता है, फिर यहाँ पे भी इस स्विच पे उसे स्टोर करते हैं, फिर फॉरवर्ड करते हैं, और फाइनली वो रिसीवर जो है उस पैकेट को रिसीव करता है। सिंपल, ये बिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड बिहेवियर, जो कि आपको पैकेट स्विचिंग में देखने को मिलेगा। सर्किट स्विचिंग में ऐसे हालात नहीं थे, सर्किट स्विचिंग में क्या थी कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड पाथ तैयार कर दी गई थी, फिजिकली लिंक्स को कनेक्ट कर दिया गया था, और वो जो सर्किट जब आपका पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, पूरा सर्किट बन जाता है, उसके बाद खाली जो सेंडर था वो क्या करता था, उस डेटा को ट्रांसमिशन लिंक पे डाल देता था, और वहां से आपका जो पूरा डेटा था वहां पे पैकेट में डिवाइड नहीं किया जाता था, वहां पूरा डेटा आपका वैसा का वैसा रिसीवर तक पहुंच जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे ये जो पर्टिकुलर पैकेट्स हैं, दे कैन टेक डिफरेंट पाथ्स। यस, इट इज पॉसिबल कि पैकेट स्विचिंग में ये जो आपके पैकेट्स हैं, नॉट नेसेसरी कि एक पैकेट ने अगर ये पाथ फॉलो किया है तो दूसरा और तीसरा और जितने भी पैकेट है वो वही पाथ फॉलो करेंगे। दे मे और मे नॉट फॉलो द सेम पाथ, वो डिफरेंट कोई पाथ लेके यहाँ पे पहुंच सकता है, कोई तीसरा यहाँ पे डिफरेंट पाथ लेके पहुंच सकता है, लाइक दैट। और अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो एक चीज तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आपके रिसीवर के पास पहुंचेंगे, देर इज हाई पॉसिबिलिटी, बराबर। क्योंकि अगर हर पैकेट एक तरीके से अगर हम अज्यूम करें कि डिफरेंट पाथ लेके रिसीवर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो किसी का लंबा रास्ता होगा, किसी का छोटा रास्ता होगा, किसी के रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक होगा, कंजेशन होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते हैं, उस वजह से वो लेट पहुंचेगा, और ये वाला जो ऑप्टिमल पाथ जिसने लिया था वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, एक तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर आपका पैकेट जो है रिसीवर तक पहुंच सकता है। इसीलिए रिसीवर के यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, रीअसेंबल करना पड़ेगा सारे पैकेट्स को। स्विच सीक्वेंस नंबर होता है, उसकी मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी पैकेट्स हैं उनको एक तरीके से रीअसेंबल कर सकते हैं कि हाँ ये पहला पैकेट है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा, छठा है, और इस तरीके से हमारा जो पूरा मैसेज है वो रिसीवर तक एक तरीके से पहुंच जाता है। अब यहाँ पे हम टोटल टाइम की बात करते हैं, टोटल टाइम, जो कि हमने सर्किट स्विचिंग में भी की थी कि भाई टोटल टाइम कैसा है। तो टोटल टाइम जब हम सर्किट स्विचिंग का निकाल रहे थे, वहाँ पे सबसे पहला जो टाइम था वो था सेटअप टाइम। अब यहाँ पे कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसी से काम चलाना है, बराबर है। यहाँ पे स्विचेस हैं, ओके, और वो ऑटोमेटिकली जो आपके पैकेट्स हैं उन्हें वो राउट करने वाले हैं, सिंपल एज दैट, ओके। यहाँ पे हमें कोई यू कैन से कनेक्शन ऐसा सेटअप करने की जरूरत नहीं कि प्रॉपरली पूरा जैसे हमने उसमें किया था फिजिकल लिंक्स एस्टैब्लिश करके। सो यहाँ पे सेटअप टाइम जो है
जो है वो हमारे टोटल टाइम में इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग कि यहाँ पे आपका सेटअप टाइम तो लगने वाला नहीं है। अब आते हैं दूसरे बात पे, यानी कि अगली बात पे, वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम तो लगेगा, बराबर है, टीटी तो लगेगा। सी, ये जो टीटी है, ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमिशन डिले, ये तो लगने ही वाला है, बराबर। यानी क्या, लेकिन कितनी बार, ये एक सवाल है, कितनी बार। वहाँ पे तो सिर्फ एक बार टीटी लगा था, एक बार ही, ओके, बिकॉज सेंडर ने किया था उसको ट्रांसमिट सर्किट स्विचिंग में और वो डायरेक्ट पहुंचा था रिसीवर तक। लेकिन यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक स्टेशन पे आपका पैकेट स्टोर किया जा रहा है और उसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो लेट्स कंसिडर ऐसे कितने हॉप्स खाने के बाद आपका पैकेट रिसीवर तक पहुंचता है। लेट्स कंसिडर इट टू बी एक्स, एक्स हॉप्स, लेट्स कंसिडर इट, ठीक है। एक कोई और, आपको कोई और वेरिएबल पसंद है वो कंसिडर कर लो, ठीक है। तो कितने हॉप्स खाने के बाद आपका जो पर्टिकुलर पैकेट है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है, लेट्स कंसिडर एक्स। अब इस एग्जांपल में एक्स की वैल्यू क्या है, एक, दो, तीन, चार, और चार हॉप के बाद वो आपका जो है एक तरीके से रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो एक बार ट्रांसमिट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, इस तरीके से चार बार ट्रांसमिट करने पे आपका जो पैकेट है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है। और ये जो आपका ट्रांसमिशन टाइम होता है वो क्या होता है, व्हाट इट इज, इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, सिंपल, बराबर। तो यही तो आपका पूरा ट्रांसमिशन टाइम बन जाता है, यही आपका ट्रांसमिशन टाइम है, दैट इज नथिंग बट एक्स, दैट इज कितनी बार उसे ट्रांसमिट किया गया है बाय द सोर्स एंड द इंटरमीडिएट नोड्स, सोर्स एंड द इंटरमीडिएट नोड्स, एक्स इंटू एल बाय बी, सिंपल, ये आपका ट्रांसमिशन टाइम होगा, दिस इज नथिंग बट द टीटी। अब इसके आगे एक और चीज ऐड होती है, वो है प्रोपेगेशन टाइम, बराबर। प्रोपेगेट करना है आपके इस पैकेट को रिसीवर तक, तो उसे कितना टाइम लगने वाला है वो भी हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका टीटी होता है, टीपी होता है, प्रोपेगेशन टाइम, इट इज नथिंग बट सिंपली इक्वल टू डी बाय वी, लाइक दिस, ओके। और उसमें हम ये हॉप्स भी गिनेंगे कि इतना डिस्टेंस पहले जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, तो वो टोटल कितना है, एक, दो, तीन, चार, यानी कि एक्स ही है, बराबर। इट इज नथिंग बट द एक्स, दैट इज नंबर ऑफ हॉप्स। तो हम क्या करेंगे, इसे इनटू एक्स कर देंगे। सो टीपी क्या हुआ आपका, एक्स इनटू डी बाय वी, लाइक दिस, ओके। और अभी इसके आगे एक और टाइम था सर्किट स्विचिंग में, टीयर डाउन टाइम, यहां तो ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं, देर इज नो रिक्वायरमेंट, नो नेसेसिटी। तो ये आपका आता है टोटल टाइम, टोटल टाइम इन अ सेंस अगर मैं सिर्फ कहने की सिंपल वे में बात करूं तो इट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन टाइम, लाइक दिस, अगर बहुत ही सिंपल वे में, और उसका इलस्ट्रेटेड फॉर्म आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। ये होता है भैया सिंपल वे में पैकेट स्विचिंग। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हेडर्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। सर्किट स्विचिंग में हेडर कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक रास्ता था, उस रास्ते पे डेटा को चलते जाना था, दैट्स इट, ओके। लेकिन यहाँ हम लोग जो पैकेट है उनको हेडर भी देते हैं, बराबर, बिकॉज पैकेट शुड हैव एन आइडिया ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, उसका भी एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हेडर होता है, सीक्वेंस नंबर होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे हेडर होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हेडर की नेसेसिटी आपको पैकेट स्विचिंग में जो है वो पड़ने वाली है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग जो मैं इस वीडियो को बोल के कंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बीच में, तो पैकेट स्विचिंग जो है वो ज़्यादातर अच्छा होगा, बेटर होगा कि अगर आप स्मॉल साइज मैसेजेस के लिए यूज़ करें, मतलब जो मैसेज जिनकी साइज स्मॉल है उन्हें ट्रांसमिट करने के लिए अगर आप पैकेट स्विचिंग यूज़ करते हो तो इट इज़ बेटर, बिकॉज देर आर मैनी हॉप्स जो आपको खाने पड़ते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, ओके, तो थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर्किट स्विचिंग की, तो उसमें आप अपना जो बर्स्ट डेटा है, मतलब लार्जेस्ट ऑफ लार्जेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मैसेज, अगर आपका मैसेज बहुत बड़ा ह्यूज है उसे अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आप इन धक्कों को झेल नहीं पाओगे, बराबर। इसीलिए आपको सर्किट स्विचिंग विल बी बेटर इन केस ऑफ अ लार्ज मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग विल बी बेटर इन केस ऑफ अ स्मॉल मैसेज। ये एक चीज अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दी। आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं, पैकेट स्विचिंग के दो टाइप्स हम देखने वाले हैं, पैकेट स्विचिंग के, एक है वर्चुअल सर्किट्स और दूसरा है डेटाग्राम। इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।